हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पायोनियर अपडेट्स में। दोस्तों आज का ये जो अपडेट रहने वाला है यूपी एनएचएम सीएचओ का ऑफर लेटर में, यहाँ पे जितनी भी जानकारी दी है मैं आपको यहाँ पे रीड करके बताने वाला हूँ। टोटल 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अंत तक आप लोगों को इस वीडियो को देखना है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए जो है डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो आपको यहाँ पे तैयार रखनी है वेरिफिकेशन को यहाँ पे कराने के लिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ सैलरी पैकेज वगैरह के बारे में बताऊंगा, ट्रेनिंग से पहले ट्रेनिंग के बाद आपको कितना यहाँ पे सैलरी पैकेज दिया जाएगा और किस जगह पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, पूरी जानकारी आपको उसमें वीडियो में मिल जाएगी। अंत तक आपको इस वीडियो को देखना है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा। सभी कैंडिडेट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में डाउट वगैरह है आप हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए। ये जो चैनल है हमारा नया यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आगे के वीडियोज भी आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। और देखिए आगे का जो वीडियो रहेगा श्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड है, बॉन्ड आपको यहाँ पे बनवाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो आपका मांगा जाएगा, तो वो उसका प्रारूप वगैरह क्या रहेगा, कैसे वो बनेगा, सारी जानकारी आपको आगे वाले वीडियो में मिल जाएगी। वो वीडियो आपको तभी मिलेगा अगर आप चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब पहले से कर लेंगे। ऑलरेडी देखिए हमारा एक और यहाँ पे यूट्यूब चैनल चल रहा है एडवांस स्टडी हब, काफी उसमें टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे तो हमने यहाँ पे एक नया यूट्यूब चैनल यहाँ पे बनाया है और आप सभी लोगों को जानकारी अब इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रूफ के साथ हम आपको यहाँ पे बात करते थे और अब भी यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी जानकारी आपसे यहाँ पे मिस नहीं होगी, कोई भी जानकारी आपसे यहाँ पे छूटेगी नहीं। तो शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को और सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे मोबाइल में यहाँ पे अपना अपना ऑफर लेटर ओपन कर रहे हैं, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है पेज और यहाँ पे कोई ना कोई जानकारी मिस रह जा रही है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, लैपटॉप की मदद लेनी है या फिर आप लोगों को कंप्यूटर की मदद लेनी है, तभी आप लोगों का वो पेज वहाँ पे पूरी तरीके से ओपन होगा, आप लोग अपना अपना ऑफर लेटर वहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। और देखिए अंत में मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, एक वीडियो मैंने कवर किया है, आप लोग उसको फॉलो करिएगा और अपने अपने ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 8 पॉइंट में से पहले पॉइंट की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे इस कैंडिडेट की जानकारी जो है यहाँ पे दी गई है। देखिए ये आप लोगों का अलग अलग होगा और यहाँ पे देखिए आपका नाम यहाँ पे दिया होगा और आपका एड्रेस दिया है, आपकी मेल आईडी यहाँ पे दी है, आपका यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। तो ये ऑफर लेटर इसी कैंडिडेट का है, आपका ऑफर लेटर में अलग इन्फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे आपका जो अलॉटमेंट आया है वो भी यहाँ पे अलग अलग होगा। तो शुरुआत करते हैं, देखिए पहला जो है यहाँ पे जो पॉइंट है, देखिए इसमें जो बताया गया है ये जुलाई 2019 के सेशन में इसको सिलेक्शन मिला है यूपी एनएचएम सीएचओ का। और यहाँ पे देखिए अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक ये इसका सेशन रहेगा जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगी इसकी 6 मंथ की और ये कोर्स रहेगा और यहाँ पे एक कैंडिडेट क्या 6 मंथ का यहाँ पे प्रशिक्षण यहाँ पे लेगा। और ये 16 जून 2019 से जो एग्जाम इसका कंडक्ट कराया गया था ये उसी का यहाँ पे परिणाम है, उसी बेसिस पे इसको यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे मिला है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दूसरा पॉइंट जो है अलॉटमेंट से रिलेटेड है और इसको यहाँ पे 6 मंथ की जो ट्रेनिंग वगैरह है इसको यहाँ पे क्या करना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आजमगढ़ में जाकर यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है। तो दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बता दिया है इसको यहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह है आजमगढ़ में मिला है तो आजमगढ़ में जाएगा, आपको जो भी मिला है वहां पे आप लोगों को उस जगह पे वहां पे जाना है। थर्ड पॉइंट के बारे में बताता हूँ, सैलरी पैकेज से रिलेटेड है। देखिए थर्ड पॉइंट जो दिया गया है इसमें जो जानकारी सैलरी पैकेज की है वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 20,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज मिलेगा और देखिए आपका प्रशिक्षण जैसे कंप्लीट होगा आपका एक ऑलरेडी एक एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, उसको यहाँ पे एंड एग्जाम नाम दिया गया है। और यहाँ पे उस एग्जाम को क्वालिफाई कर देने के बाद आप सभी लोग फाइनली सीएचओ की पोस्ट वहाँ पे पा लेंगे, ठीक है, यही जानकारी इसमें दी गई है। और यहाँ पे शुरुआत में आपको 20,000 रुपये आपको सैलरी पैकेज मिलेगा, ऐसी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। अब हम बढ़ते हैं आपको चौथे नंबर के पॉइंट पे और उसमें जो जानकारी है वो हम आपको रीड करके बता देते हैं। देखिए चौथे नंबर का जो पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है इसमें बोला गया है आपका जो कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाएगी तब आपका एक एग्जाम होगा और यहाँ पे आप सभी लोगों को फाइनली सीएचओ की पोस्ट मिल जाएगी और सरकार के नियमों के अनुसार यहाँ पे आप सभी लोगों को 15,000 रुपये यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे और दे दिए जाएंगे। मीन्स 20,000 तो आपको पहले मिल ही रहे थे, 15,000 रुपये और आपको अलग से मिलेंगे, तो मतलब यहाँ पे टोटल 35,000 रुपये आपको यहाँ पे पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी, यही जानकारी इसमें दी गई है। और आपको देखिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो भी है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के साथ। तो चौथे नंबर के पॉइंट में यही जानकारी दी है। पांचवें नंबर के पॉइंट में ये बताया गया है कि रिपोर्टिंग आपको कहाँ पे करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह कहाँ पे वेरिफिकेशन कराने हैं, कौन सी डेट को यहाँ पे आप सभी लोगों को यहाँ पे ये सारी प्रोसेस अपनानी है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो रिपोर्ट करना है सीएमओ मीन्स चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, जैसे इसको यहाँ पे आजमगढ़ वाला है
तो ये यहाँ पे आजमगढ़ के सीएमओ को जाकर वहां पे रिपोर्ट करेगा, वहां पे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराएगा, जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वहां पे ये कंप्लीट करवाएगा। और देखिए सबमिशन भी करवाना है इसको, सिक्योरिटी बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड भी श्योरिटी बॉन्ड है और बॉन्ड इसको यहाँ पे बनवाना होगा और इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी यहाँ पे वेरिफिकेशन के समय। और ये बॉन्ड देखिए किस चीज के लिए है, जो रहता है सब सेंटर्स के लिए रहता है, हेल्थ सेंटर्स जो रहते हैं, आपको जो कोर्स रहता है आप लोग वहाँ पे सीखते हैं उसके लिए ये बॉन्ड बनता है, तो ये आपको यहाँ पे पेश करना होगा। देखिए जितने भी ये प्रोसेस है इसको यहाँ पे 22 अक्टूबर 2019 से पहले पहले सारा का सारा ये सब यहाँ पे निपटाना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज वगैरह बॉन्ड वगैरह जितना भी है 22 अक्टूबर 2019 से पहले पहले ये सारी जानकारी उसको यहाँ पे प्रोवाइड करानी है, तभी जाके इसको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा सीएचओ की पोस्ट के लिए। देखिए फिर उसके बाद इसको यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा और जो भी इसको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया यह जगह ये यहाँ पे प्रोवाइड रिपोर्टिंग करेगा। देखिए सातवें नंबर का पॉइंट जो है, यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से जो भी अकोमोडेशन है, रहन सहन है, अभी आपको यहाँ पे मिलेगा और ये सब आपको अपनी मर्जी से ही यहाँ पे ओन एक्सपेंसेस पे आपके खुद के खर्चों पर ही यहाँ पे अभी अपनाना है। आठवें नंबर का पॉइंट देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ा देता हूँ और इसमें डीप डिटेल में आप सभी लोगों को बिल्कुल समझा देता हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे तैयार रखने हैं ओरिजिनल फॉर्म में भी और यहाँ पे अटेस्टेड कॉपी में भी आप लोगों को यहाँ पे रखना है। अटेस्टेड का मतलब ये है, देखिए ये नहीं बोला कि सेल्फ अटेस्टेड करना है या फिर गवर्नमेंट द्वारा गजेस्टेड ऑफिसर से इसको यहाँ पे अटेस्ट करवाना है, तो मेरे ये मान के चलें दोनों सेट यहाँ पे तैयार करके रखें और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आए और आप लोग वहाँ पे बड़े इजीली तरीके से वहाँ पे अपने अपने वहाँ पे अपना अपना डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करा लें। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नीचे दी गई है, ज़्यादा इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है। देखिए 10th क्लास की मार्कशीट आपकी मांगी जा रही है और साथ ही साथ में यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है, 12th क्लास की मार्कशीट मांगी जा रही है और यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। और अगला जो है यहाँ पे जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं तो मार्कशीट मांग रहे हैं और साथ ही साथ डिग्री भी मांग रहे हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं तो आपके पास बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट भी हो और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। देखिए अगला जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, काउंसिल है, मीन्स आपको पंजीयन जो रहता है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आपका, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है और यहाँ पे आईडी प्रूफ की कॉपी भी होना आपको जरूरी है, ठीक है। और आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसी चीजें जो भी हैं आपकी, जिसमें परमानेंट एड्रेस वगैरह लिखा हो आपका पूरा और जो एड्रेस वगैरह है बिल्कुल मैच होना चाहिए और जो भी नाम वगैरह है उसकी स्पेलिंग मैच होनी चाहिए आपके नाम से, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको यहाँ पे ये पेश करना होगा, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोज हैं आपको यहाँ पे लेकर जानी है और अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है तो एडमिट कार्ड से निकाल लीजिए, वहाँ पे कट कर लीजिएगा पेंट में जाके, तो वहाँ पे शॉप पर जाकर वो वहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो सेम टू सेम वैसे के वैसे निकल जाएंगे। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे बनवाना है जिसमें कुछ चीजें यहाँ पे कवर होना जरूरी है, जिसमें जनरल फिटनेस होना जरूरी है आपकी, एक्सरे होना चाहिए आपका चेस्ट का और इसकी रिपोर्ट आपकी यहाँ पे मांगी जा रही है और एक और रिपोर्ट आपकी मांगी जा रही है जो कि आई स्पेशलिस्ट के द्वारा होगी, जो कि रहेगी आपकी विजन की। तो ये सारी के सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं, ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देने हैं, लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है आप उनसे पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए, आगे वाला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा श्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कैसे आपको बनवाना है और क्या उसका फॉर्मेट रहने वाला है, तो उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है आप सभी लोगों को पता है और आपको क्या करना है, इसको सपोर्ट करना है और जो भी जानकारी है आपको इसी तरीके से आगे भी मिलती रहेगी, इसलिए अभी इस यूट्यूब चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे इस यूट्यूब चैनल से आपको प्राप्त हुई है, इस वीडियो से प्राप्त हुई है, तो एक थैंक यू का मैसेज आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है ये सारा का सारा आपको समझाने में, तो प्लीज़ एक थैंक यू का मैसेज जरूर टाइप करें। और इससे पहले मैंने एक वीडियो कवर किया था और अगर आप लोग चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप लोगों को अपना अपना ऑफर लेटर यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है और जो स्टेप मैंने फॉलो किए हैं वही स्टेप आप लोग वहाँ पे फॉलो करिएगा, आप लोगों का ऑफर लेटर वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। और कोई भी डाउट वगैरह है आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।